नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। आजकल सरकार का ध्यान एक नए मुद्दे पर है और वो है देश में बढ़ती जनसंख्या। हालांकि ये मुद्दा हर बार उठता रहा है और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अभियान भी चलते रहे हैं। बता दें कि भारत की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने हम दो हमारे दो का नारा दिया था और अब देश की वर्तमान सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण पर फोकस कर रही है और इस अभियान में सबसे आगे हैं उत्तर प्रदेश और असम। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा? भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिस पर देश में आई हर सरकार ने नियंत्रण करने की कोशिश भी की है। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने हम दो हमारे दो का नारा देकर जनसंख्या नियंत्रण करने का अभियान चलाया था और जनता को जागरूक करने की कोशिश की थी, लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि हम दो हमारे दो को हिंदी के मशहूर कवि बाल कवि बैरागी ने लिखा था। इस नारे के साथ खूब अभियान चलाए गए, लेकिन जनता ने इसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले भारत में 139,38,27,569 लोग रहते हैं। इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण अभियान की शुरुआत की और उसके बाद हर सरकार ने इस अभियान को चलाया, लेकिन जब कोई नतीजा सामने नहीं आया तो देश की वर्तमान सरकार इस पर कानून बनाने का विचार कर रही है, जिसमें अभी तक उत्तर प्रदेश और असम दो राज्य सबसे आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने राज्य में कानून बनाने की पहल की है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह के कानून को लागू करने की बात कई बड़े सवाल खड़े करती है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह मुद्दा चुनाव से पहले राज्य के मेन फोकस क्षेत्रों में से एक के तौर पर उभारा गया है। चुनावी फायदे के लिए योगी सरकार इस कानून के जरिए अपने कट्टर वोट बैंक को संदेश दे रही है। इससे ध्रुवीकरण होने की वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है और साथ ही सरकार महामारी के दौरान हुई उसकी गलतियों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, असम भी इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। 19 जून को असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि सरकारी लाभों को लेने के लिए जल्द ही टू चाइल्ड पॉलिसी को लाया जा सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को इस नीति का पालन करना होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बयान दिया कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति में जल्द ही फैसला ले सकती है। संभव है कि अगस्त महीने में जनसंख्या नियंत्रण नीति पर अधिसूचना जारी हो। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने की कोई योजना नहीं है। सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ गहन विचार विमर्श के बाद ही इस संबंध में कोई फैसला लेगी। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय के तकरीबन 150 से अधिक विद्वानों के साथ जनसंख्या नियंत्रण नीति पर चर्चा की थी। सीएम ने बयान देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक नेता भी इस बात पर सहमत हैं कि राज्य के कुछ हिस्सों में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसमें असम के विकास पर असर पड़ रहा है। असम के मुख्यमंत्री की घोषणाओं को देखकर एक बात तो साफ है कि जनता को भरपूर लालच दिया जा रहा है। मतलब जनता को अपनी बात समझाने के लिए मुख्यमंत्री ऑफर दे रहे हैं और जबरन अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा सिर्फ असम में ही नहीं किया गया है बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इससे भी आगे निकल गई है और ऑफरों से भरी जनसंख्या नीति बनाई, जिसकी विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर घोषणा की। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2021-2030 के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की। इस नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इस दौरान उन्होंने गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली प्रदान करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की गतिविधियों की विधिवत शुरुआत की। नई जनसंख्या नीति का एक अन्य फोकस एरिया नवजात शिशुओं और मातृ मृत्यु दर को कम करने की भी है। नई नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000 से 2016 की अवधि खत्म हो चुकी है। योगी सरकार ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण की नीति में कई बिंदुओं पर फोकस किया।
साथ ही कुछ ऐसे नियम भी बनाए जिससे जनता इस नीति को गंभीरता से ले। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करवाने के लिए अपनी नीति में लोभ डर दोनों ही चीजों का इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो यूपी में भविष्य में जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें ना तो राज्य की सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही वो निकाय और पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र में युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर कानून लागू होगा। कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएंगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के दो बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियमों का पालन करने वालों को विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य भत्ते देगी। दो संतानों के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीनों का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एम्प्लॉयर अंशदान कोष में 3% की वृद्धि मिलेगी। योगी सरकार ने उन लोगों को भी सुविधाएं देने की बात कही है जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं। उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि करों में छूट जैसे लाभ मिलेंगे। यदि किसी बच्चे के माता पिता या कोई एक नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उसे 20 साल तक की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या वाकई भारत में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या ऐसा करना भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और भारत अभी इतना समृद्ध नहीं है कि बढ़ती जनसंख्या को सभी सुविधाएं दे सके। देश में बढ़ती जनसंख्या के साथ बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आज के समय में भारत की बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए फायदेमंद है, हालांकि उसका सही से इस्तेमाल हो तो। अर्थशास्त्री स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरिया ने कहा है कि भारत को जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश को मुसीबत हो सकती है। उन्होंने इस दावों के साथ आंकड़े भी दिए और दो बच्चों के प्रतिबंध लगाने के जुड़े फैसले को गलत बताया। अंग्रेजी अखबार TOI में 26 जून 2021 को प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने कहा, लक्षद्वीप में भाजपाई प्रशासक ने उन प्रस्तावों से लोगों में उत्तेजना पैदा की जिसमें दो बच्चों से ज्यादा वालों को पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी से बाहर किए जाने से जुड़ा मसौदा भी है। यह नासमझी है। भारत और दुनिया को ज्यादा नहीं बल्कि अपर्याप्त जन्मों का सामना करना पड़ता है। चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने एक बच्चे की नीति लागू की, बाद में दो के लिए मंजूरी दी और अब वह 3 बच्चों के लिए बढ़ावा दे रहा है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी कामकाजी उम्र की आबादी गिर रही है, इसलिए GDP को बढ़ावा देने के लिए उसे और अधिक श्रमिकों की सख्त जरूरत है। स्थिर जनसंख्या के लिए कुल फर्टिलिटी रेट, हर महिला पर जन्मा बच्चा 2.1 होना चाहिए। यह एकदम से जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोकेगा। भविष्य में मां बनने वाली औरतें पैदा हो चुकी हैं, इसलिए आबादी 2 दशक तक 2.1 पर पहुंचने तक बढ़ती रहेगी और फिर वृद्धि की रफ्तार कम हो जाएगी। बता दें कि ऐसे अय्यर मौजूदा समय में अंग्रेजी बिजनेस अखबार दी इकोनॉमिक टाइम्स में कंसल्टिंग एडिटर है। वह विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी कंसल्टेंट रहे हैं। इसके अलावा जाने माने स्तंभकार और TV कमेंटेटर भी हैं। अय्यर का कहना है कि भारत की फर्टिलिटी गिर रही है और ज्यादा जनसंख्या के फर्जी डर को छोड़ देना चाहिए और कम कामकाजी उम्र के लोगों जैसे कि 15 से 65 वर्ष और वृद्ध आश्रितों के साथ भविष्य की तैयारी करनी चाहिए।
ऐसे अय्यर ने कुछ मुल्कों का जिक्र किया और बताया, ताइवान में फर्टिलिटी दर सबसे कम है, वहाँ यह आंकड़ा 1.07 है, दक्षिण कोरिया में 1.09, सिंगापुर में 1.15 है, यहाँ तक कि अमीर देश में भी यह डेटा रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। मसलन जापान में 1.38, जर्मनी में 1.48, यूएस में 1.84 और यूके में 1.86 है। अफ्रीकी देशों में यह दरें अभी भी 3 से नीचे हैं, पर मैक्सिको में फर्टिलिटी 2.14 से कम है। भारत का उल्लेख करते हुए अय्यर कहते हैं, भारत का फर्टिलिटी रेट 1992 से 1993 में 3.4 बच्चों का था, जो कि आज 2.2 पर आ गया है। माना जा रहा है कि 2025 में यह गिरकर 1.93 हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महत्वाकांक्षी मध्यम वर्गीय लोग कम बच्चे चाहते हैं। अत्यधिक आबादी से दूर भारत अपर्याप्त फर्टिलिटी रेट के वैश्विक जाल, कामकाजी उम्र में कम लोगों और बढ़ती संख्या में बुजुर्ग लोगों को महंगी चिकित्सा देखभाल की जरूरत वाले दौर की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा विपक्ष भी योगी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति की जमकर आलोचना कर रहा है और सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। साथ ही इस नीति को यूपी चुनाव से पहले राजनीतिक एजेंडा करार दे रहा है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM की प्रवक्ता सैयद असीम बकार ने तो सवाल ही पूछ लिया, योगी जी कितने भाई बहन हैं? उनका कहना है कि अगर कांग्रेस ने अपने वक्त में इस तरह के कानून या नियम को लागू कर दिया होता तो आज इसे लागू करने की बात करने वाले नेता CM और PM तक नहीं होते। वहीं सपा विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा बोले, इस विधेयक को लाने का मतलब लोकतंत्र की हत्या है, यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक अपरिपक्व निर्णय है। अब सरकार का ये फैसला कितना सही साबित होता है और कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि जनता इसे कितना गंभीरता से लेती है, और अगर जनता इसे गंभीरता से लेती है तो क्या सरकार अपने वादों पर खरी उतरेगी या वो वादे सिर्फ कहने के लिए हैं? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। देखते रहिए DV Live। नमस्कार।